Hello students, in our this video we are going to discuss about the fluidity of membrane. That we are saying that plasma membranes showing the fluidity or a fluid mosaic model. So how you can say that plasma membrane is fluid? So plasma membrane show the fluidity. So a experiment is performed to show that here is your some molecules and एंटी माउस ग्रीन फ्लोरोसेंस एंटीबॉडी आपने ली, ठीक है। तो एंटी माउस को आपने ग्रीन फ्लोरोसेंस से फ्लोरोसिन जो सब्सटेंस लिया उससे आपने क्या कर दिया, डाई किया। तो जब आप यहाँ पर देख रहे हैं ये फॉस्फोलिपिड की आपकी लेयर है, यहाँ पर ये आपके फॉस्फोलिपिड्स हैं, ठीक है। दीज आर फॉस्फोलिपिड्स। इन मॉलिक्यूल्स पर आपने क्या किया, ग्रीन डाई आपने ली, एंटी माउस की एंटीबॉडी ली और उसको ग्रीन फ्लोरोसेंस किया। तो यहाँ पर ग्रीन फ्लोरोसेंस करने से जो फॉस्फोलिपिड के जो हेड थे वो क्या हो गए, आपके ग्रीन फ्लोरोसेंस से टाई अप हो गए। फिर उसके बाद आपने नेक्स्ट क्या लिया, यहाँ पर सेम फॉस्फोलिपिड लिया और आपने क्या किया, यहाँ पर एंटी ह्यूमन एंटीबॉडी ली है जिसको आपने रेड फ्लोरोसेंस किया है, दैट इज रोडामाइन। तो इस वजह से यहाँ पर जो फ्लोरोसेंस क्या हो जाएंगे, आपके रेड हो जाएंगे। यू कैन सी दैट जो एंटीबॉडीज हैं आपकी ये कैसी हो गई है, यहाँ पर रेड कलर से बाइंडेड हो गई हैं, दैट इज़ फ्लोरोसेंस। अब आपने क्या किया, इन दोनों का क्या कर दिया, मिक्सचर कर दिया, ठीक है। तो आपने क्या किया, आफ्टर मिक्सिंग बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड, तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, हाफ पोर्शन आपका रेड फ्लोरोसेंस से है और हाफ पोर्शन आपका ग्रीन फ्लोरोसेंस है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको सैंडल वायरस लाइक स्ट्रक्चर अपीयर हो जाएगी जो आपकी कैसी होगी, हाफ रेड हाफ ग्रीन हो जाएगी। उसके कुछ टाइम बाद, ये तो जस्ट आपकी आफ्टर 0 मिनट, मतलब तभी इंस्टेंट आप रिजल्ट देख रहे हैं, तो आपको ऐसा रिजल्ट मिला, दैट इज़ हिट्रोकैरियन की फॉर्मेशन हो गई है। और अगर आप इसी स्ट्रक्चर को कुछ टाइम पीरियड के बाद देखते हैं, जस्ट मान लीजिए आपने यहाँ पर 40 मिनट्स लिए, तो आफ्टर 40 मिनट्स आप यहाँ देखेंगे तो आपको क्या अपीयर हो रहा है, यहाँ पर अल्टरनेट पोजीशन मिल रही है, ग्रीन फ्लोरोसेंस रेड फ्लोरोसेंस, या कह सकते हैं आप ग्रीन एंटीबॉडी रेड एंटीबॉडी। और इस तरीके से ये जो फॉस्फोलिपिड के जो हेड थे वो आपके यहाँ क्या कर गए हैं, अल्टरनेट पर आ गए हैं, ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड, इस तरीके से। तो इस ये शो करते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो फ्लूइड नेचर की है। एक और एक्सपेरिमेंट आप देख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ ये फॉस्फोलिपिड्स के आपके हेड थे, ठीक है। फॉस्फोलिपिड के हेड कर आपने क्या किया है, यहाँ पर इनको रेड कलर प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। रेड कलर था यहाँ पर, रेड कलर के बाद आपने यहाँ पर क्या किया, फोटो ब्लीचिंग करवा दी, मतलब लाइट आपने यहाँ पर डाल दी है। अब लाइट डालने की वजह से इस वाले रीजन की जो लाइट जो कलर था वो क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। तो मान लीजिए ये आपको कैसा अपियर होगा, यहाँ पर वाइट अपियर होगा। ऐसे ही बहुत सारे यहाँ पर फॉस्फोलिपिड के आपके हेड रखे हुए हैं। अब इस स्ट्रक्चर को अगर आप इंस्टेंट देख रहे हैं तो आपको जो वाइट कलर है वो इस तरीके से शो हो जाएंगे, रेड जो है आपके इस तरीके से यहाँ पर हेड रीजन आपको दिखाई देंगे। और अगर आपने इसी स्ट्रक्चर को आफ्टर 40 मिनट देखा या 1 आवर बाद अगर आप देखेंगे तो आपको क्या अपीयर होगा कि एक हेड आपका रेड है, वाइट रेड वाइट रेड, इस तरीके से यहाँ पर आपके रोटेशन में आपको मिल जाएंगे, अल्टरनेट पोजीशन रेड वाइट हो जाएगी। और जो फोटो ब्लीचिंग हुई थी वो डिसअपियर हो जाएगी। डिसअपियर क्यों हो गई, क्योंकि जो आपके कलरलेस रीजन थे वो मिक्सअप हो गए हैं रेड कलर के साथ। तो इस टेक्निक को भी हम यहाँ से प्रूव कर सकते हैं कि जो फॉस्फोलिपिड है जो आपकी मेम्ब्रेन है वो कैसी रहती है, फ्लूइडिटी शो करती है, वो मिक्स हो सकती है, वो एक जगह अपनी मोशन पर नहीं रहेगी, मूवमेंट करती है, ठीक है। और इस टेक्निक को हम क्या कहेंगे, फ्रैप टेक्निक, ठीक है। तो फ्रैप टेक्निक रहेगी आपकी, इस टेक्निक का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा आपका, फोटो ब्लीचिंग रिकवरी आफ्टर सॉरी फ्लोरोसेंस रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीचिंग, कि जो कलर था आपका वापस अपीयर हो गया है। कब अपीयर हुआ है, जब आपने फोटो ब्लीचिंग कर दी थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं फोटो ब्लीचिंग की कलरलेस रीजन हो गए और कुछ टाइम बाद आपने क्या देखा, आप वापस से फ्लोरोसेंस रेड कलर आपको अपीयर हो गया है, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट से हमें प्रूव होता है कि जो आपकी फॉस्फोलिपिड लेयर है वो मूवमेंट करती है, ठीक है। तो फ्लूइडिटी के लिए एक्सपेरिमेंट, दैट्स ऑल अबाउट दिस एक्सपेरिमेंट। ओके।